भगवान श्री नारायण जगत के पालनहार हैं। अपनी महिमा एवं ज्योति से संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हैं। अधर्म का अंधेरा दूर करने एवं जग कल्याण के लिए प्रभु क्षीर सागर से सीधा वैकुंठ आदि का आश्रय है। जब जब भक्तों पर या देवताओं पर किसी भी प्रकार का संकट आया, प्रभु श्री नारायण भक्तों की बात सुनकर दौड़े चले आए और उन्हें दुख मुक्त करके भविष्य में आने वाले युगों युगों के लिए मोक्ष द्वार श्री बद्रिका आश्रम के रूप में खोले। स्कंद पुराण के अनुसार अन्य तीर्थों में किया गया दान जब तप यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है उसका 10 गुना फल बद्री धाम में केवल कीर्तन करने से ही प्राप्त हो जाता है। स्कंद पुराण में बद्री धाम के 4 युगों का अलग अलग नामों का उल्लेख है। सतयुग में मुक्ति प्रदा, त्रेता में योग सिद्धिदा, द्वापर में विशाला तथा कलयुग में बद्रिकाश्रम, जिसका नाम लेने से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल बद्री धाम में प्रवेश करने से ही मिल जाता है, जिसकी यात्रा हरिद्वार यानी कि हरि के द्वार से प्रारंभ होती है। तो आओ श्री बद्री नारायण प्रभु का ध्यान करके भगवान बद्रीनाथ जी की कथा का श्रवण करें। जो भी भगवान बद्रीनाथ जी की कथा का श्रवण करता है या किसी को भी श्रवण करवाता है वो प्राणी कोटि कोटि जन्मों का पुण्य प्राप्त करता है। तो आओ श्री बद्रीनाथ जी की कथा का श्रवण कर पुण्य के भागी बने। बोल भगवान बद्री विशाल की जय। श्री नारायण के प्रिय भक्तों, सतयुग में दुर्दम नाम का एक दानव हुआ जो कि सूर्य देव का अनन्य भक्त था। उसने भगवान सूर्य देव की हजारों वर्ष तक घोर तपस्या की, जिससे सूर्य देव अति प्रसन्न हुए और मन इच्छा वर मांगने को कहा। दुर्दम दानव ने सूर्य देव से अमर होने का वरदान मांगा तो सूर्य देव ने कहा, वत्स, इस सृष्टि का नियम है, जो भी इस सृष्टि से उत्पन्न होता है उसका अंत होना निश्चय, इसलिए तुम कुछ और वर मांग सकते हो। तो दानव दुर्दम सोचने लगा, ऐसा कौन सा वर मांगू जिसके प्रभाव से कोई भी मुझे मार न सके। कुछ सोचने के उपरांत दुर्दम ने सूर्य देव से कहा, प्रभु मुझे 1000 कवच कुंडल प्रदान करने की कृपा करें और मेरा एक कवच वही तोड़ सके जो 10,000 वर्ष तक पहले तपस्या करे और अपार शक्ति का मालिक हो। बस प्रभु मुझे यह वरदान देने की कृपा करें। सूर्यदेव वचनबद्ध हो चुके थे, इसलिए तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बस फिर क्या था, उस दिन के बाद दुर्दम दानव का नाम दुर्दम से सहस्रा कवच हो गया। 1000 कवच पाकर सहस्रा कवच अपने आप को अजर अमर समझते रहे। अपने दानव सेना को साथ में लेकर दिग्विजय प्राप्त करने के लिए और अपने कवचों के प्रभाव से सबसे पहले सभी प्राणियों में दानवों पर विजय प्राप्त किया और सभी दानव राज सहस्रा कवच के आदि हो गए। जब सहस्रा कवच ने सभी दानवों पर विजय प्राप्त किया तो सहस्रा कवच की शक्ति और भी बढ़ी। अतः सहस्रा कवच ने देवताओं को भी अपने आदमी बनाने की ठान ली तथा अपने करोड़ों की दानव सेना को लेकर देवलोक पर चढ़ाई कर ली और इस प्रकार देवताओं और दानवों के बीच बरसों घमासान युद्ध हुआ। आखिर सहस्रा कवच की शक्ति के आगे कुछ भी टिक नहीं पाया और देवताओं ने अपनी हार स्वीकार कर ली। सहस्रा कवच के आगे मुक्त रहे। इस प्रकार सहस्रा कवच ने चारों ओर दिग्विजय प्राप्त कर ली। अब उसकी सिर्फ एक ही चिंता शेष रह गई थी, कोई 10,000 वर्ष तक तपस्या करके मेरा कवच नहीं होगा। इसलिए उसने अपने दानव सेना को आदेश दिया कि किसी को भी तपस्या ना करने दी जाए। अगर कोई भी तपस्या करता हुआ दिखाई दे या नारायण का नाम भी लेता हुआ सुनाई दे तो उसे वहीं पर समाप्त कर देना। चारों ओर सहस्रा कवच की दानव सेना फैल गई और ऋषि मुनियों देवताओं पर अत्याचार कर ऋषि मुनियों का जीना विश्वास देवताओं में भय मन जाने लगा। जब सहस्रा कवच का अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच गया तो सभी ऋषि भगवान विष्णु के पास पहुंचे, जो कि संपूर्ण जगत के पालनहार हैं। श्री नारायण की शरण में जाकर प्रार्थना करने लगे और करुणामयी स्वर में कहा,
इस घोर संकट से उबारो, हमारी रक्षा करो। आप तो संपूर्ण जगत के पालनहार हैं, कृपा निदान हैं, और जब भी हम पर कोई संकट आया आपने ही हमारी रक्षा की। आज भी सहस्रा कवच भारी संकट बनकर हमारे सिरों पर मंडरा रहा है, और आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। सिर्फ आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। सभी देवताओं और ऋषि मुनियों की करुणा में पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने सभी देवताओं व ऋषि मुनियों को आश्वासन दिया, मैं शीघ्र ही कुछ उपाय सोचता हूँ और आपको कष्ट मुक्त करूंगा। तब तक आप सभी वैकुंठ धाम में, यहाँ पर आपको कोई कष्ट नहीं होगा। श्री भगवान विष्णु की वाणी सुनकर सभी ऋषि मुनि देवतागण भगवान श्री नारायण की जय जयकार करने लगे। बोल श्रीमन नारायण भगवान की। यदि सतयुग में प्राणी तो क्या ऋषि मुनि देवतागण इतने कष्ट में है, तो जब घोर कलयुग आएगा तब क्या? मुझे कुछ ऐसा उपाय करना पड़ेगा जिससे आने वाले युगों युगों तक